गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन, दैट्स गुड। स्टूडेंट्स, आई एम योर जीके टीचर पार्वती गुप्ता। आई विल टीच यू जीके थ्रू वीडियो लेसन। स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके बुक। लेट्स डिस्कवर। देखिए बच्चों, ये आपकी जीके की बुक है और इसका नाम है लेट्स डिस्कवर। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ आवर सराउंडिंग। बच्चों, जीके में हम बहुत से टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आप कंट्री, प्लेनेट, एनिमल्स, स्पोर्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हेयर वी विल स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स विच विल हेल्प अस टू इंक्रीज आर जनरल नॉलेज। फर्स्ट टॉपिक इज आर कंट्री, नेक्स्ट वर्ड ऑफ प्लांट्स, देन एनिमल्स, नेक्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज गुड मैनर्स, देन स्पोर्ट्स, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, हम अपनी जीके बुक में ये सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और इन्हें समझेंगे। नाउ आई विल टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यू शुड लिसन इट वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। कैन यू नेम मी द थिंग्स प्रेजेंट हेयर? यस, वेरी गुड। हेयर वी कैन सी अ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। जब भी आप अपना रिटन वर्क करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इन सब चीज़ों को किसने इन्वेंट किया है? स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट इट। पेंसिल वाज इन्वेंटेड बाय निकोलस जैक्स कोन। देखिए बच्चों, पेंसिल का इन्वेंशन निकोलस जैक्स कोन ने किया था। शार्पनर वाज इन्वेंटेड बाय जॉन ली। शार्पनर को जॉन ली ने इन्वेंट किया था। इरेजर वाज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड नरिन। इरेजर का इन्वेंशन एडवर्ड नरिन ने किया था। स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्मार्टफोन। द फर्स्ट स्मार्टफोन वाज मेड बाय साइमन इन 1992। देखिए बच्चों, जो सबसे पहला स्मार्टफोन था उसे 1992 में साइमन ने बनाया था। और बच्चों देखिए, जब आप फोन या लैपटॉप की हेल्प से स्टडी करेंगे तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है? स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स और लैपटॉप शुड आइडियली बी पोजिशन अबाउट 20 to 28 inches फ्रॉम द आइज एंड अबाउट 4 or 5 inches बिलो आई लेवल। स्टूडेंट्स, जब भी आप फ़ोन या लैपटॉप की हेल्प से स्टडी करेंगे तो आपने अपनी आई से फ़ोन को 20 to 28 inches के डिस्टेंस पर रखना है और 4 to 5 inches बिलो आई लेवल, अपनी आई से 4 या 5 inches नीचे रखना है ताकि इसका आपकी आईज पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना बढ़ सके। तो बच्चों देखिए, ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में आज आप जान गए होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ
I will tell you about the very important day, that is World Health Day, that is related with our health. इस डे को हम हर साल 7th अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं. अब मैं आपको इस डे के बारे में कुछ बातें डिटेल से बताऊंगी. आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना. वर्ल्ड हेल्थ डे इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे. 1948 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कंडक्ट की गई और इस असेंबली में वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया. इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही है कि लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहें और उन सब बातों का ध्यान रखें जिनसे वे अपने आप को हेल्दी रख पाएं. तो देखिए, अब आप कुछ बातें ध्यान से सुनिए जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं. सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज डेली. हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम फिट रह सकें. नेक्स्ट, स्लीप वेल. इसके अलावा हमें समय पर सोना और समय पर उठना चाहिए. नेक्स्ट है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. हमें एक दिन में 6 या 7 लीटर पानी पीना चाहिए. इसलिए बच्चों, आपको एक दिन में 6 या 7 गिलास पानी पीना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, ईट मोर ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स. हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं. नेक्स्ट देखिए, थिंक पॉजिटिव एंड डोंट टेक स्ट्रेस. हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. तो बच्चों, अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. स्टूडेंट्स, आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने का मेन मोटिव यही है कि लोगों को पता चल सके कि उनकी हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जीके बुक का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके लिए रेडी रहना. थैंक यू स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.